वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं इनविटेशन। देखो, इनविटेशन होता क्या है? टू इनवाइट समवन फॉर एन ओकेजन। भाई, किसी की शादी है, आपके घर में कार्ड आया, आपके घर में कोई फंक्शन है, ठीक है, आपने किसी के घर कार्ड भेजा, इनवाइट किया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इनविटेशन। अब इनविटेशन दो तरह के हो सकते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या है? जिसमें फॉर्मल लैंग्वेज आप यूज करते हो, इनफॉर्मल में आप थोड़ा सा पर्सनल टच या फ्रेंडली लैंग्वेज यूज करते हो। अब जब भी कोई इनविटेशन लिखा जाएगा तो उसमें ये वाले पॉइंट जरूरी है। क्या भाई? इनविटेशन में ये पता चलना चाहिए कि ओकेजन क्या है, कोई शादी है, कोई बर्थडे है, कोई एनिवर्सरी है या कोई भी दूसरा फंक्शन है। दूसरा, किसको इनवाइट किया जा रहा है उसका नाम होना चाहिए। कौन उस पार्टी को दे रहा है, मतलब होस्ट कौन है, ये भी पता चलना चाहिए। भाई, कौन सी डेट को है, किस कितने बजे है, वेन्यू मतलब कहाँ पे वो होगा, कहाँ पे पहुंचना है, ये सब होना चाहिए। और अगर कोई चीफ गेस्ट आ रहा है तो उसका नाम भी उसमें होना चाहिए। अब मैं आपको इस चीज को प्रैक्टिकल वे में समझाता हूं। देखो, अभी मैं जब आपको पॉइंट्स बता रहा था तो मैंने कहा सबसे पहला पॉइंट यानी ओकेजन पता चलना चाहिए। अब मेरे घर पर एक कार्ड आया है तो आप ये देखो, इस कार्ड में ऊपर ही लिख रहा है ओकेजन क्या है, वेडिंग इनविटेशन। और मैंने यहां कहा था कि हमें जब भी हम इनविटेशन लिखेंगे तो हमें पता चलना चाहिए कि ओकेजन क्या है, किसी की शादी है, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, क्या है। तो यहां पे जैसे ही मैं इस कार्ड को देखता हूं जो मेरे पास आया है, मुझे पता चल जाता है वो है वेडिंग। अब दूसरा, नेम ऑफ द इनवाइटी, भाई जिसे इनवाइट किया जा रहा है उसका नाम भी तो हो। अब इंग्लिश बाबा का जो एक्चुअल नाम है वो है लखन, ठीक है, तो यहां पे मेरा नाम है, हालांकि स्पेलिंग गलत लिख दी इन्होंने, लेकिन इन्होंने मेरा नाम लिखा हुआ है। तो दूसरा पॉइंट भी आपको क्लियर है, इनवाइटी का नाम है। नेम ऑफ द होस्ट, अब होस्ट कौन होता है? होस्ट वो होता है जो उस पार्टी को, जो उस जो फंक्शन है उसे ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, इस कार्ड के अंदर तो मैं दिखाता हूं, श्रीमती प्रेमवती एंड श्री बलवंत सिंह कालवा फील द प्लेजर वाइल इनवाइटिंग यू टू सोलमनाइज द होली वेड लॉ। तो ये जो श्रीमती प्रेमवती हैं और ये दोनों कौन है, हस्बैंड वाइफ, ये दोनों हैं इनके होस्ट, इनके लड़के की शादी है रमेश जी की। आई होप कि एक एक चीज आपको क्लियर आए। फिर देखो डेट, भाई उसमें डेट मेंशन होनी चाहिए, यहां पे ये लिखा हुआ डेट, टाइम और वेन्यू। तो यहां पे एक चीज देखो, ऊपर ही यहां लिखा हुआ है साफ साफ कि संडे को है, 24 जनवरी को है ना। डे पता चल गया, डेट पता चल गया, ईयर पता चल गया। अब तुम कहोगे सर वेन्यू कहाँ है, लो तुम्हें वेन्यू दिखा देता हूं, भाई साहब तुम भी आ जाना। तो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है जो वेन्यू है वो है मिंडा रिजॉर्ट, वीपीओ बागला, डिस्ट्रिक्ट हिसार के अंदर, ठीक है। तो जो पॉइंट्स मैंने यहां लिखे थे वो आपको प्रैक्टिकली एक कार्ड के अंदर दिखा दिए। अब बढ़ता हूं आगे। अब इस चीज को समझो आप लोग, इनविटेशंस एंड देयर रिप्लाई। अब तुम कहोगे सर इनविटेशन का रिप्लाई? जी हाँ, एक्चुअली होता क्या है, जब भी हमारे पास कोई इनविटेशन आता है तो हमें उसका रिप्लाई करना होता है। अब तुम कहोगे सर हम तो बस हमारे घर में कार्ड आता है, हमारा मन करता तो चले जाते हैं शादी में, फंक्शन में, नहीं मन करता तो नहीं जाते। एक्चुअली रिप्लाई ट्रेडिशन इज नॉट इन ट्रेंड इन इंडिया। इंडिया के अंदर, हमारे देश के अंदर रिप्लाई करना कोई ट्रेडिशन नहीं है। हमारे यहाँ तो बस ये समझा जाता है सामने वाले ने कार्ड दे दिया, उसने सोच लिया कि भैया अब तो ये पर्सन आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ये सोशल एटिकेट में आता है और बहुत सारे कंट्रीज में ये प्रैक्टिस होता है। क्या? कि जब भी उनके पास कोई भी लेटर, सॉरी, कोई भी इन्विटेशन आएगा तो वो उसका रिप्लाई करेंगे। और रिप्लाई करेंगे किसमें? या तो वो उसे एक्सेप्ट करेंगे या रेग्रेट करेंगे। रेग्रेट का मतलब है कि वो नहीं आ पाएंगे, नॉट पॉसिबल, ठीक है, कि भाई हम नहीं आ पाएंगे किसी वजह से। अब बच्चा कहेगा सर इसका क्या फायदा है रिप्लाई करने का? भाई रिप्लाई करने का ये फायदा है, अगले को कितनी थाली लगवानी है, कितना मेन्यू बनवाना है, उसे पता रहेगा कि इतने लोग आ रहे हैं, इतने लोग नहीं आ रहे, ठीक है। और अगर वो मना कर देंगे तो भी उसे पता चल जाएगा होस्ट को कि भाई पर्टिकुलर पर्सन नहीं आ रहा। अब मैं तुम्हें ये वाली बात पढ़ा क्यों रहा हूं? क्योंकि तुम्हारे यहाँ एग्जाम में इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन दे देगा और वो कहेगा रिप्लाई करिए एक्सेप्ट की फॉर्म में या रिप्लाई करिए रेग्रेट की फॉर्म में, मतलब कि आप नहीं आ पाएंगे। अब जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि दो तरह से होते हैं इन्विटेशन, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ऐसे ही किसी भी इन्विटेशन का आप जो रिप्लाई करोगे या तो फॉर्मल वे में करोगे या करोगे आप इनफॉर्मल वे में। अब एक बहुत छोटी सी बात है, ध्यान रखना, अगर तुम्हारे पास इनविटेशन फॉर्मल आया था तो आंसर भी कैसा होगा? फॉर्मल होगा। अगर इनफॉर्मल आया था तो आंसर कैसा होगा? इनफॉर्मल होगा। अब बढ़ते हैं आगे।
तो अब हम देखेंगे इनविटेशन का जो फॉर्मेट है वो क्या है। देखो तो सबसे शुरुआत में सबसे ऊपर लिखा जाएगा नेम या डेजिग्नेशन ऑफ होस्ट, मतलब जो पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसने आपको इनवाइट किया है उसका नाम क्या है। उसके बाद जाएगा आपका स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, ये क्या होता है, जो कि मतलब एक कॉमन लाइन होती है, कॉर्डियली इनवाइट, ठीक है, दर्शना अभिलाषी आपने हिंदी में देखा होगा। ओकेजन, क्या ओकेजन है उसके बारे में, डे, डे टाइम, वेन्यू, क्या डे है, क्या डेट है, क्या टाइम है, वेन्यू कौन सी जगह पे है, अगर स्पेशल गेस्ट कोई आ रहा है, अगर मैं अगर वर्ड का यूज कर रहा हूं तो उसे मेंशन कर देंगे। और यहां पे लिखेंगे आरएसवीपी। आरएसवीपी क्या होता है, ये एक्चुअली फ्रेंच एक्सप्रेशन है, इसका मतलब होता है रेस्पॉन्ड टू। तो यहाँ पे एड्रेस, किसका एड्रेस, भाई इन लोगों का एड्रेस, ताकि अगर कोई आने वाला है या फोन नंबर है, अगर उसे कोई दिक्कत हो रही है तो वो उस फोन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकता है। अब एग्जाम में आपके किस तरह से क्वेश्चन आएगा वो देख लो। ड्राफ्ट एन इनविटेशन ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एंड मिसेस राज करण, ठीक है, मिस्टर एंड मिसेस हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, ये इनका एड्रेस दे दिया, 38 कमल कुल वाराणसी, विच दे मे यूज टू इनवाइट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑन फिफ्थ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ देयर सन, यानी कि मिस्टर एंड मिसेस राजकरण है जो कि इस एड्रेस पर रहते हैं, इनके बच्चे का पांचवा बर्थडे है, पांचवे साल का, ठीक है, एट देयर रेजिडेंस। अब इसके लिए हमें क्या करना है, एक इनविटेशन को ड्राफ्ट करना है। अब देखो सबसे पहले, अभी मैंने क्या बताया था, सबसे पहले नेम एंड डेजिग्नेशन लिखोगे, ठीक है, होस्ट का, उसके बाद स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। अब देखो कौन है भाई, मिस्टर एंड मिसेस राजकरण सबसे पहले होस्ट आ गए, ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन आ गया, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बैंज इन प्रेजेंस, मतलब आपको बुलाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आइए, ठीक है। अब उसके बाद ओकेजन देखो, ओकेजन क्या है, ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द फिफ्थ बर्थ एनिवर्सरी। देखो अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे, थोड़ा सा समझ के चलोगे, हर चीज क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, फिफ्थ एनिवर्सरी है ऑफ देयर सन। अब यहाँ पे देयर वर्ड का यूज क्यों हुआ है, क्योंकि दोनों का बेटा है वो, पापा का भी और मम्मी का भी, ना तो आप हिज लगा सकते ना हर लगा सकते, आप लगाओगे देयर। उस बच्चे का नाम क्या है, बच्चे का नाम है निखिल, निखिल डाल दिया। एट देयर रेजिडेंस, अपने रेजिडेंस पे, देखो एक एक चीज आपको दोबारा दिखा रहा हूं, सबसे पहले नेम डाल दिया था उनका, फिर हमने स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन डाल दिया, ओकेजन क्या है, बर्थ एनिवर्सरी है। अब उन्हें भाई जिसे इनवाइट कर रहे हो उसे ये भी बताओगे किस डे पे, किस डेट पे, किस टाइम पे और कहाँ पे आना है। तो ये जो सेरेमनी है ये कर रहे हैं अपने घर पे, तो इन्होंने लिख दिया एट देयर रेजिडेंस। कुछ लोग किसी रेस्टोरेंट में करते हैं तो उस रेस्टोरेंट का नाम दे देंगे, ठीक है। 38 कमल कुंज वाराणसी, ये आपको उसमें दिया हुआ था, टाइम दे दिया 4 बजे, 4:30 बजे ऑन इस डेट को। और आरएसवीपी में अभी देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया था आरएसवीपी में कौन जाएगा, जो होस्ट है, यानी कि यहाँ पे होस्ट कौन है, यहाँ पे होस्ट है मिस्टर एंड मिसेस राजकरण, ये लिख दिया, इन्होंने अपना फोन नंबर लिख दिया। अब बात आती है सर फोन नंबर हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे, आप इस तरह से लिख देना 9012 फिर XXXX ऐसे ऐसे कर दोगे और हो गया काम, ठीक है। अब जब भी आप इनविटेशन लिखते हो तो आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। नंबर वन, रिटन इन थर्ड पर्सन, हमेशा थर्ड पर्सन में लिखा जाएगा, कभी भी आई फर्स्ट पर्सन जो है, यू सेकंड पर्सन जो है, वी जो फर्स्ट पर्सन है, कभी भी इस तरह के वर्ड्स का यूज नहीं होगा। अब सेकंड, नो एब्रीवेशन, एब्रीवेशन का मतलब होता है भाई शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगी, नो शॉर्ट फॉर्म, नो, किसी का नाम लिख रहे हो तो पूरा नाम लिखा जाएगा, फुल नेम, ठीक है। सेंटर सेटिंग, अब इस चीज को समझ लो, सेंटर सेटिंग क्या होती है, सेंटर सेटिंग ये होती है चिल्ड्रन, देखो पहले एक लाइन ये गई, ये वाली, उसके बाद एक लाइन ये आई बीच में, फिर उसके बाद ये आई, फिर उसके बाद ये आई, ऐसा नहीं है कि आपने इसे इस तरह से पैराग्राफ फॉर्म में लिख दिया, ऐसे ऐसे लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो एक एक पैराग्राफ, ना ना ना, सेंटर सेटिंग है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, वो क्या है, फुल नेम ऑफ द गेस्ट। अब मैंने यहां दिखाया था कि अगर अगर स्पेशल कोई गेस्ट आ रहा है, कोई वीआईपी आ रहा है, मान के चलो कुछ लोग क्या करते हैं, शाहरुख खान को बुला लिया, किसी नेता को बुला लिया, स्कूल में कोई फंक्शन है, चीफ गेस्ट आ गया, कोई डीएम आ गया, तो डीएम का हमेशा पूरा नाम लिखा जाएगा, फुल नेम हमेशा लिखा जाएगा, कभी भी शॉर्ट में नहीं होना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हो तो आपके पूरे नंबर आएंगे, ठीक है। अगर आप मुझे यानी इंग्लिश बाबा को टेलीग्राम पे सब्सक्राइब करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो आपके फोन पे हमारे सारे अपडेट्स आते रहे, सारे वीडियोस, तो आज ही टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लो, फ्री है, इंग्लिश बाबा 123 पे सब्सक्राइब कर लो, और मुझे फॉलो कर लो आप इंस्टा पे भी, englishbaba.eb, ठीक है।
अब दूसरा एग्जाम्पल देख लो, योर सिस्टर निवेदिता, अब ये क्या कह रहा है कि तुम्हारी एक बहन है जिसका नाम है निवेदिता, इज गोइंग टू मैरी अखिलेश, उसकी शादी होने वाली है अखिलेश से, और अखिलेश किसका बेटा है, मिस्टर एंड मिसेस एस एम जोशी, देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, योर फादर कौन है, मिस्टर के एस भारद्वाज, जब ये तुम्हारी बहन है तो यानी इसके भी मम्मी पापा कौन हो गए, ये हो गए मिस्टर के एस भारद्वाज, हैज प्लान टू होल्ड द वेडिंग एट होटल कुनार। देखो मैंने अभी कहा था हर चीज आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेगी, बस वहीं से डिटेल निकालनी और लिख देना है, न्यू दिल्ली में, डेट यहां मिल गई 25 मई को है, ठीक है 8 बजे, पूरा पूरा हमें मिल गया, राइट अ फॉर्मल इनविटेशन ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एंड मिसेस के एस भारद्वाज, यानी कि लड़की वालों की फैमिली की तरफ से आपको एक फॉर्मल इनविटेशन लिखना है, और आप लड़की के भाई हो, मुबारक हो, इनवाइटिंग गेस्ट टू द ऑस्पिशियस ओकेजन, ऑस्पिशियस का मतलब है शुभ, गिव अदर डिटेल्स भी दे दो, और 50 वर्ड से कम कम में ये वाली बात खत्म कर दो। अब देखो अगर आपने पहला देख लिया था, लेकिन इस बार याद रखना, इस बार हम बर्थडे पार्टी में नहीं बुला रहे, इस बार शादी का इनविटेशन है, तो सबसे पहले होस्ट का नाम लिख दिया मिस्टर एंड मिसेस के एस भारद्वाज, ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन लिख दिया हमने, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, भाई एक लाइन ना रट लेना, ये वाली लाइन रट लो, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, और इसे हर जगह कॉपी पेस्ट कर देना, मजा आ जाएगा। ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ, अब देखो ओकेजन क्या है, इस बार है शादी, ठीक है, अब लड़की की साइड से जा रहा ही है, ऑफ द डॉटर क्या है, लड़की का नाम आपको दिया हुआ था निवेदिता, अब निवेदिता की शादी किससे हो रही है, अखिलेश से। आपके घर में जब भी कोई कार्ड आता होगा तो आपने देखा होगा लड़की वाले उनका नाम लिखवाएंगे, लड़के के जो मम्मी पापा हैं, और जब लड़के की तरफ से अगर ये कार्ड जाता तो वो लड़की के जो बेटा है इसका, ठीक है, कब कब शादी होने वाली है, फ्राइडे को। अब देखो मैंने आपको जब वो बताया था, ए यहां दोबारा ले जा रहा हूं तुम्हें पीछे, यहां देखो सॉरी, अरे मिल जा भाई, यहां देखो सबसे पहले आएगा डे, फिर आएगा डेट, तो अब ये गलती मत करना, कुछ बच्चे ये गलती करते हैं और मार्क्स कटते हैं, तो सबसे पहले डे डाल दिया फ्राइडे, डेट डाल दी इतने बजे, कहां पे है, वेन्यू दिखा दिया, होटल कुनाल में है, प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम ये है भैया इतने बजे। अब कुछ चीजें देखो तुम्हारी इंटेलिजेंस पे डिपेंड करती है, क्योंकि अब शादी वाला फंक्शन है, तो शादी में फंक्शन आपने देखा होगा कि रिसेप्शन इतने बजे है, डिनर इतने बजे है, वेडिंग सेरेमनी, ये सब चीजें थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से बनानी पड़ेगी। आरएसवीपी आपको हमेशा डालना है, आरएसवीपी कौन है, जो होते हैं होस्ट, तो भारद्वाज केमिकल्स फरीदाबाद, यहाँ पे कोई फोन नंबर वगैरह डाल दो, विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स ऑल रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, हो गया यार तुम्हारा इन्विटेशन। एक और देख लो इन्विटेशन, कभी कभी स्कूल की तरफ से भी लिखने को आएगा, You are student of Newton Public School. इस बार कह रहा तुम student हो Newton Public School नागपुर के, ठीक है, देखो एक चीज मिल गई तुम्हें, clue इसी में मिलेगा, The school is holding its annual function on Saturday. School में देखो function भी पता चल गया तुम्हें, annual function है, ठीक है जी आगे बढ़ रहे हैं, 15 नवंबर को, लो जी भाई साहब डेट भी पता चल गई, और इसमें है, लो जी भाई साहब हमें टाइम भी पता चल गया, 11 बजे है, हमें चीफ गेस्ट भी पता चल गया, द एचआरडी मिनिस्टर डॉक्टर एमएम जोशी हैज कंसेंटेड, जो चीफ मिनिस्टर है डॉक्टर एमएम जोशी आ रहे हैं टू बी द चीफ गेस्ट, ठीक है, डिजाइन एन इनविटेशन कार्ड टू बी सेंड टू द पेरेंट्स, आपको एक इस तरह का कार्ड बनाना है जो कि आपको पेरेंट्स, आपका स्कूल भेज रहा है आपको पेरेंट्स की तरफ, पेरेंट्स के लिए और दूसरे लोगों के लिए, 50 वर्ड में। अब देखो स्कूल की तरफ से जा रहा है, तो सबसे पहले तो भैया डेजिग्नेशन क्या है, द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ कौन से स्कूल के, न्यूटन पब्लिक स्कूल के भाई लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन आप पुराना भी लिख सकते हो, सॉलिसिट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, आपको देखना चाहती है, ठीक है, आपकी कंपनी चाहती है कब, ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन, देखो हमेशा रट लो ऑस्पिशियस ओकेजन, सब में मार देना भाई साहब, कॉपी पेस्ट कर देना, कभी मात नहीं खाओगे, क्या है, द एनुअल फंक्शन, एनुअल फंक्शन होने वाला है ऑफ देयर स्कूल, अब फिर से दिखा रहा हूं, यहाँ पे हिज मत लिखना, हर मत लिखना, देयर क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल का भी है, स्टाफ का भी है, स्टूडेंट्स का भी देयर, ठीक है, अब ये वाली बात वहां पे लिखी हुई थी, 11 बजे है, सैटरडे को है, 15 नवंबर को है, अब इसमें हमें ऑलरेडी एक चीज दे दी इन्होंने कि भैया वो भी आ रहे हैं, क्या, कौन, जो चीफ गेस्ट है वो है डॉक्टर एम एम जोशी, जो कि एचआरडी मिनिस्टर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, विल बी द चीफ गेस्ट, आरएसवीपी कौन हो गया भाई, प्रिंसिपल हो गया, ये दे दिया नंबर, दे दिया, हो गया काम, तुम्हारे मार्क्स हो गए पूरे। सो आई होप मेरा ये जो तरीका है आपको समझाने का, आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी।